मऊ तहसील के अंतर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्र ग्राम पंचायत कालाकुंड के गांव नावदिया सादलपुर में आज भी आदिवासी लोग अंधेरे में रहने में मजबूर हैं। चिमनी के उजाले से जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ न सड़क व लाइट की बहुत ज्यादा परेशानी है। सरकार ने लाइट के पोल तो लगा दिए हैं लेकिन लाइट नहीं दी। हम लोग बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग जंगलों में रहते हैं और लाइट नहीं होने के कारण जंगली जानवर भी हमारे घर तक आ जाते हैं। एक तेंदुए ने तो हमारे यहाँ कई बकरियां गायों का शिकार कर लिया है और हम लोग बचाने के लिए जाते हैं तो तेंदुए हम लोग पर भी हमले बोल देते हैं। हमने कई बार सरपंच को बताया कि आप जल्द से जल्द लाइट चालू करवा दो। सरपंच जयराम कोहली ने बताया कि लाइट के पोल तो हैं लेकिन जीपी पर से कुछ मिस्टेक है और मैंने उच्च अधिकारी को भी बता दिया है और डी साहब से बात की तो डी साहब ने बोला मैं सुपरवाइजर को बता के एक दो दिन में चालू करवा दूंगा लेकिन अभी तक गाँव में लाइट नहीं पहुंची है। ग्रामीणों और सरपंच को आज तक आश्वासन ही मिल रहा है कि जल्द से जल्द लाइट चालू करवा देंगे। ग्रामीण लोग परेशान हो रहे हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महू से विशेष संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ की जैसे जो परेशानी है क्या है कि 100 साल भर से लाइट बंद जी। शिकायत भी करी हमने अधिकारियों को भी करी जी। नेता लोगों को भी करी कोई हमारी सुनवाई नहीं जी। अंधेरे के कारण रात शाम होती है जी तो बकरा बकरी चार बकरा बकरी शेर उठा ले गए हमारे तेंदुआ घर से। अच्छा। और फिर रात के समय थोड़ी बहुत मक्का लगाते तो उसमें क्या है कि जंगली सुअर जानवर आते हैं। अच्छा। वो भी सब खाते हैं तो गोफन के दग्गड़ पत्थर मार के आओ करके भगा देते हैं। अच्छा। यहाँ तो हमको ये लाइन की भी परेशानी बहुत तगड़ी, तो लाइन की चल रही है जी। और उसके बाद में लाइट की क्या परेशानी है? यहाँ लाइट आज एक साल भर से बंद पड़ी जी। और हमारी पहले ये बारिश की फसल तो पहले ही मारी जाती है जी। और वो लाइट बंद पड़ी है तो उसमें हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आपने कुछ ऊपर अधिकारी को बताया कि लाइट पर बताया था? कोई सुनवाई नहीं करता साहब, हम क्या करते उसमें। अच्छा। इस गांव में ये ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ जी, हमने गैस लगाया था। इसके जगह जो चीनी जो पंचर है जी, अधिकारी को बोला हमने कि यार जो पंचर है ये चेंज कर दो आप और केबल डाल दो सालोपुरा में जी, है ना। तो यहाँ के लोग क्या कि खेती कर पाएंगे, गेहूं चना बोलेंगे, लोगों के पास जमीन प्राप्त है। आज इनके पास जमीन नहीं है, लाइट चालू नहीं हो पाएगी तो ये लोग फिर भट्टे में चले जाएंगे, वहाँ पे 4 महीना काम करेंगे गर्मी में और फिर बारिश फिर आ जाएंगे जी। ये तो लोगों की स्थिति है यहाँ पे। यहाँ पर बिजली बहुत परेशानी है और यहाँ पर बिजली रहेगी तो हम कैसे कर पाएंगे? और बिजली की वजह से यहाँ पे परेशानी बहुत है और हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते, और पढ़ाई करते हैं लेकिन वो चिमनी की उजाले से करते हैं। चिमनी के उजाले से पढ़ाई करते? अभी आप कौन सी क्लास में हो? 12th। बहुत समस्या, लाइट की जानवर खूब आई रे नार, दो डंकर मारी रे, दो गाय मारना की मारी गबर। हाँ। और क्या परेशानी है? नरो जीव जंतर। हाँ। बहुत परेशान हम यहाँ की जगह जंगल में।